वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर थर्ड है ये आपका गवर्नमेंट, सिक्स क्लास का चैप्टर है ये। बच्चों देखिए, इसमें देखिए बेटा द गवर्नमेंट, ये है आपका चैप्टर, थर्ड चैप्टर है ये आपका, सिविक्स का चैप्टर है ये, है ना। तो हमने यहां तक इसमें पढ़ लिया था कि जो गवर्नमेंट है वो कितने तरह की होती है, ऑर्गन्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के, टाइप क्या होते हैं गवर्नमेंट के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जैसे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्म्स हमने पढ़े थे, पार्लियामेंट्री जैसे प्रेसिडेंशियल, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्ची होती है इसके बारे में हमने पढ़ा था। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अथॉरिटीशिप, अथॉरिटियन क्या होते हैं। द वर्ड अथॉरिटियन मीन्स एब्सोल्यूट ऑबिडेंस टू अथॉरिटी, तो दस एन अथॉरिटियन गवर्नमेंट प्लेसेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। इन दिस अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल्स ऑल द डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि जो वर्ड अथॉरिटियन, जो आधिकारिक जो लोग होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो सारा जो आज्ञा होती है, सारा जो कार्यभार होता है, सारी जो चीजें होती है, वो कहां से, अथॉरिटी मीन्स आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल होती है, मीन्स टू से कि जो उसके अंदर अधिकारी जो काम करते हैं उनके अंडर में होती है। थर्स एन अथॉरिटियन गवर्नमेंट प्लेसेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जो भी आप चीजें करते हैं, ठीक है, वो ग्रुप में करने के लिए और इंडिविजुअल, आप अकेले करने के लिए, आप उस चीज के लिए आप रेस्ट्रिक्टेड है कि आप वो चीजें अकेले नहीं कर सकते। इन दिस अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें छोटे एक ग्रुप होता है लोगों का, और अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, और जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कंट्रोल करती हैं ऑल द डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है, तो उसके लिए वो जो स्ट्रॉन्ग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो उस चीज को कंट्रोल करती है कि कौन से डिसीजन लेने, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, अथॉरिटियन गवर्नमेंट की फॉर्म्स, मोनार्ची। इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है, राजतंत्र होता है, ठीक है, मोनार्ची मीन्स टू से। इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के सिस्टम में पावर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द हैंड ऑफ अ किंग और क्वीन। इसमें जो पावर होती है वो राजा और रानी के हाथ में होती है। मोनार्ची और अ किंग एंजॉयस ऑल द पावर, जो मोनार्ची जो होते हैं राजतंत्र, मतलब जो कि मतलब राजा और रानी जो होते हैं वो जो होते हैं, वो किंग जो है वो एंजॉय करते हैं उस पावर को, उस सत्ता को, उस शासन को। सऊदी अरेबियन एंड यूएई हैव सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें सऊदी अरेबियन में और यूएई में इस तरह की गवर्नमेंट है। मिलिट्री और अलाइट बेस्ड, इसमें क्या होता है देखिए, मिलिट्री सैन्य, ठीक है, और कुल की जो बेस्ड होती है। इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अ मिलिट्री लीडर्स, जो मिलिट्री के जो लीडर्स होते हैं वो अलाइट्स डिक्टेट द टर्म्स एंड होल्ड पावर, ठीक है, वो जो है सारी पावर जो है उनके अंदर होती है, वो जो है जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, मीन्स मिलिट्री बेस्ड पे होती है ये सारी जो शक्ति होती है उसमें। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन फोर्स, पाकिस्तान म्यांमार हैड दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पाकिस्तान और म्यांमार जो है वो इस तरह की गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है। अब है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप क्या होती है, तानाशाही, आप सबको पता है। इसमें क्या होता है, इसमें मोनोपोलाइज्ड बाय सिंगल पर्सन, इसमें एक पर्सन के ऊपर सारी सत्ता जो है वो डिपेंड होती है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है, बहुत ही इसमें ऑप्रेसिव मेथड होता है, बहुत ही ज्यादा अत्याचारी, मतलब वो कुछ भी करना चाहे तो एनीवन ही वोंट दैट ही कैन डू इट, क्वाइट ऑफन एज अ वे ऑफ सिक्योर देयर पावर एंड हैव मोर कंट्रोल, डिक्टेटर्स विदड्रॉ राइट्स फ्रॉम पीपल। एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज दैट फेस डिक्टेटरशिप आर जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली में इसी तरह की गवर्नमेंट है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अब देखिए लेवल क्या होते हैं गवर्नमेंट के, फर्स्ट है आपका नेशनल लेवल, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ये आकार और उनकी जनसंख्या के ऊपर, उस देश की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि तो गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल, जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल पे काम करती है। दिस डिवीजन हेल्प टू रन द कंट्री स्मूथली एंड एफिशिएंटली, ये जो है चीजें ये मदद करती हैं जो देश है उसको सही तरीके से चलाने के लिए। नेशनल लेवल, इट वर्क्स एट द नेशनल लेवल, ये नेशनल लेवल पे काम करती है। इट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है गवर्नमेंट का। स्टेट लेवल, देखिए स्टेट लेवल क्या होता है, इट वर्क्स
इज एन एंटायर स्टेट, एवरी स्टेट हैज अ स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी एक अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जैसे यूपी की है योगी सरकार, है ना, आपको पता है। लोकल गवर्नमेंट इट वर्क्स इन विलेज, ये गांवों में काम करती है। डिस्ट्रिक्ट और टाउन, और डिस्ट्रिक्ट और टाउन में काम करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आवर रोल, हमारा रोल क्या होता है इसमें। इट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू बी अबाइड बाय द लॉ ऑफ अ कंट्री, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द इन्फॉर्मेशन फॉर द लॉज एंड द गवर्नमेंट मेक्स फॉर अस। सिंस ऑल ऑफ अस आर नॉट एजुकेटेड इन द फील्ड ऑफ लॉ, इट इज ड्यूटी ऑफ द पीपल वी इलेक्ट टू एक्सप्लेन द लॉज, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू अस, एंड सिंस वी हैव टू रियलाइ ऑन आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट वी चूज द राइट पीपल। तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम सही लोगों को चुने, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो देश है, ठीक है, बट इज ऑल्सो, क्योंकि ये जो है रीजन समझना बहुत जरूरी है लॉ को जो कि गवर्नमेंट बनाती है, कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं, तो उसका हमें पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि गवर्नमेंट में जाते हैं, है ना। गवर्नमेंट वही लोग तो चलाते हैं जिन्हें हमने चुन के भेजा है, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा। सीन्स ऑल ऑफ आर नॉट एजुकेटेड इन द फील्ड ऑफ लॉ, तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कानून नहीं जानते, है ना, बट इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पीपल, लेकिन ये कर्तव्य बनता है लोगों का कि वी इलेक्ट टू एक्सप्लेन द लॉ, ठीक है, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू अस, कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कानून को इलेबरेट करना फर्ज बन जाता है, कि मतलब अगर हम इन लोगों को चुनेंगे तो क्या क्या फायदे हैं, इन लोगों को चुनेंगे तो क्या क्या नुकसान है, ठीक है। और ये जरूरी है कि सही लोग जो है वो सत्ता में आए, मीन्स टू से सही लोग जो है वो चुने जाएं। इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, किंगडम में, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के जो कि ही डिसाइड विल गवर्न और देम, कि पीपल जो है उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर राज करेगी, कौन सी जो गवर्नमेंट है वो आएगी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि जो अर्ली जो 20th century में जो एसोसिएटेड विद द डिपेंडिंग बाय द वीमेन सीकिंग द राइट टू द वोट, कि जो औरतें हैं वो भी मतलब अधिकार रख रही हैं कि गवर्नमेंट चलाने का, और गवर्नमेंट को चला सकती हैं, आज हम 20th century में जी रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये सारी चीजें जो हैं वो हमें भी अधिकार इस चीज का होना चाहिए कि हम अपने वोट का सही तरीके से प्रयोग करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें, गलत लोग ना चुने जाएं, और जो गलत लोग अगर सही दिखा रहे हैं अपने आप को, शो कर रहे हैं, तो वो भी इस भ्रम में ना रहे कि क्योंकि 5 साल बाद गवर्नमेंट फिर से चेंज होती है। तो इफ अ पर्सन whom we are choosing and they are not working well, वो सही तरीके से काम नहीं करते, तो हम उन्हें दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो आवर कंट्री एक्सरसाइजेस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वेयर एवरीवन ऑफ एजेस, मतलब जो भी 18 साल या उससे ऊपर है तो वो जो है वो वोट डाल सकता है, इसमें कलर, जेंडर या सोशल स्टेटस कोई मैटर नहीं करता, ठीक है बच्चों। ये आपका चैप्टर है, तो इसके जो टिक द करेक्ट है और फिलअप्स है, ठीक है, और ट्रू फॉल्स है, ये आप खुद से सर्च करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में इसके राइट आंसर जो है वो दिखाए जाएंगे, ठीक है बच्चों।